एक बहुत ही अच्छा सा बूंदी का रायता बनाएंगे, जारी है हमारी बूंदी वाला रायता है। अच्छा, रायते बनते हैं बहुत डिफरेंट स्टाइल के बनते हैं, लेकिन ये बूंदी वाला रायता कैसे बनता है ये आपको मैं बताती हूँ। अब आप एक को ये भी दिखा दूं कि ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है इसकी कुकिंग जो है वो जारी है, तो ये इसी में हो जाएगा। सही है जी। ये है मेरे पास दही, दही हमने ले लिया है तकरीबन 250 ग्राम। ठीक है, ये दही मैंने ले लिया है और अब इसको हम ज़रा सा फेंट लेते हैं। ठीक है, फेंटेंगे और फेंटने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसके अलावा हमने बूंदियाँ ये मेरे पास रखी हुई हैं, अगर आपके पास छोटी वाली हैं तो आप छोटी वाली भी ले सकते हैं, ये मेरे पास थोड़ी सी बड़ी थी तो इसलिए मैंने ये ले ली। अभी बेटा पानी बूंदी के, वैसे चकल तो बूंदी वाली नहीं। हाँ नहीं, सबको बूंदी बूंदा है इतना बड़ा। हाँ, तो ये थोड़ी सी बड़ी है ना। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, घर में जो चीज अवेलेबल है उससे काम। हाँ, चलाए ना, कोशिश करना के परेशान हो कि ओहो भाई अब क्या करें। आप इसमें मुझे आधा कप पानी डाल के दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि नमक, ये क्या है इसके अंदर जायके के मुताबिक तकरीबन 3-4 टीस्पून मैंने लिया है, इसको हम मिक्स करेंगे और साथ ही डालेंगे ये क्रश किया हुआ लहसुन, जिससे इसका फ्लेवर माशाल्लाह से बेहतरीन आएगा। हरी मिर्चें ये जाएंगी इसके अंदर, एक हरी मिर्च बारीक चॉप कर लीजिएगा, ये चलेगी। थोड़ा सा हरा धनिया हम अभी ऐड कर देते हैं, ये चला गया हरा धनिया, इसको हम मिक्स कर लेते हैं, मिक्स मिक्स मिक्स, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। सही है जी, ये क्या पानी, आधा कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करें, क्योंकि बूंदियाँ हैं, बूंदी को हमने वैसे पानी में पहले सोक किया था, बट क्या है कि ये थोड़ा सा और सोक करेंगे, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ऐसे रखा है ताकि ये सोक भी कर ड्राई ना लगे। ठीक है, आपको ड्राई नहीं लगना चाहिए। ये गया इसके अंदर, इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये टमाटर चॉप किए हुए, डालेंगे इसमें हरा धनिया, थोड़ा सा अभी डाल देते हैं, इसको हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है इसमें है 1/2 टीस्पून। इसको मैंने मिक्स कर लिया, मिक्स करके हम रखते हैं और इसके बाद हम बनाएंगे इसका एक बघार। बघार के इंग्रेडिएंट क्या है ये आपको बताते हैं, लेकिन साथ ही ज़रा सा इसको हटा देते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये तो रेडी है, ये रेडी है अचारी मुर्ग जो है ना वो रेडी है, लेकिन इसका चूल्हा ऑन है जो कि दही वाले। हाँ, अच्छा, इसके लिए हम पैन ले लेते हैं। ये क्या पैन। अच्छा, मैं काम करती हूँ, जिस डिश में हम इसको सर्व करेंगे उसी में हम डायरेक्टली हम इसका बघार लगा देंगे, क्योंकि वो ये होता है कि ज़रा सा एक नीट और अच्छी लुक आती है, फ्रेश लुक आती है। चले जी। अच्छा, आप इसमें प्याज डालना चाहें तो प्याज और खीरा भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला इसके अंदर। कच्ची प्याज, कच्ची प्याज और खीरा, डन हो गया। वैसे तो मैं ख्याल से इसको किसी के साथ ही नहीं सर्व करते होंगे, इसको तो ऐसे ही खा सकते हैं आप। हाँ, हाँ। रायता उसके ऊपर भगार जो जा रहा है ना, रायता तो कहने को रायता है, वैसे हाँ। तो मजे की रेसिपी, मजे की रेसिपी है ये। चलो जी, हो गया तैयार और अब हम इसका बनाएंगे बघार। अभी पेट लीजिएगा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, 2 ही होना चाहिए। ये चला गया और अब हम इसका बघार बनाएंगे कड़ी पत्ते के साथ। कड़ी पत्ते ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, 6-7 कड़ी पत्ते आप ले लीजिए, ज़्यादा लेना चाहें ज़्यादा ले लें, लेकिन इसका फ्लेवर अच्छा ही आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर नमक, नहीं नमक नहीं, कुटी हुई लाल मिर्च और ये भी हल्दी। ठीक है जी, ये डालेंगे, डालेंगे इसमें थोड़ा सा ज़ीरा। चलो, ये बेहतरीन सा हमारा इसका बघार जो है वो तैयार। देखा आपने कितनी कोई शानदार सी खुशबू, बहुत ही कलरफुल सा, सिंपल सा और मज़ेदार सा आपका बूंदी का रायता तैयार है। अब ये थोड़ा सा हरा धनिया है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाह रहे ना डालें। वैसे अच्छी खुशबू आ रही है बघार की।